नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फली आलू की टेस्टी सब्जी। ये सब्जी ज़्यादातर सभी को बहुत ही पसंद आती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। लेकिन आज हम इसे नए तरीके से बनाएंगे। इसमें हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देगी। इस तरीके से आप फली आलू बनाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा। तो चलिए इस टेस्टी हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हम एक कुकर ले लेंगे। हम फली आलू कुकर में बनाएंगे, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं वो डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें थोड़ा सा और उसे गर्म कर लें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा। इसे थोड़ा सा चला देते हैं, अच्छे से जीरा फूल जाए। मैंने ली थी 2 प्याज, उसको बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। प्याज को हमने तेज गैस पर अच्छे से भून लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते हुए। प्याज हमारी हो गई है, गैस को स्लो कर लेंगे। मैंने ली थी 2 हरी मिर्ची, उसको बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। हरी मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे मिक्स कर दें। 1 टीस्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लिया था 1/2 टुकड़ा, 1/2 इंच अदरक, वो मैंने बारीक काट लिया था। जब हम काट के डालते हैं अदरक तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बारीक काट के डालते हैं तो, मैं वो डाल रही हूँ। अब डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, बहुत अच्छा कलर देगी। 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने लिए थे 2 बड़े साइज के टमाटर, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लें। अब गैस को कर देंगे स्लो और इसको ढक देंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। हमने आलू ले लिए हैं, ये कच्चे आलू लिए हैं, ये 1/2 किलो हैं। पहले इसे हमने छील कर तैयार करना है। हमने सभी आलूओं को छील लिया है, अब इसको काटना कैसे है, पहले इसके 2 भाग करें, फिर इस ढंग से बड़े बड़े टुकड़ों में 2 भाग और कर लें। ऐसे ही हमने सारे आलूओं को काट कर तैयार करना है। आलू को हमने काट लिया है, अब 2 बारी अच्छे से वॉश कर लें, इसका स्टार्च निकल जाए, और इसको पानी में भिगो दें, ये काले ना पड़े। मैंने ली है 1/2 किलो फलियां, बिल्कुल फ्रेश फलियां ली हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, कच्ची कच्ची फलियां। अब मैंने इसको काटा कैसे है, मैंने इसलिए दिखाने के लिए आपके लिए बता रही हूँ मैं। पहले इसकी एक साइड काट लें ऊपर से, कच्ची कच्ची फलियों में रेशे नहीं होते, ये आराम से कट जाती हैं। इस ढंग से मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। अब इसकी पिछली वाली साइड से भी हम इसको काट देंगे थोड़ा सा। ऐसे ही फलियों को काट कर मैंने तैयार किया है। इसको काटने के बाद वॉश ना करें, पहले वॉश करें। अब हम टमाटर को चेक कर लेते हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। हाँ, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इससे पहले हम चला देते हैं। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच, मैंने लिया था बेसन, मैंने उसको बिना घी के बिना ऑयल के तवे पे भून लिया था, वो डाल रही हूँ, ये इसके टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देगा। और मैं एक चीज़ डाल रही हूँ इसमें, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला, ये बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप गर्म मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा देना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल दूंगी, आलूओं को पानी निकाल दें और आलू डाल दें। और कटी हुई फलियां भी डाल देंगे और अच्छे से इस मसाले में पहले मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 ग्लास पानी, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली बना रही हूं,
एक ग्लास पानी डालकर अच्छे से मिक्स करकर एक उबाला आने देंगे। ये उबाला आ गया, कुकर का ढक्कन लगा देंगे, तेज गैस पर एक विसल दिलाएंगे, कम गैस पर इसे 2 मिनट पकाएंगे और कुकर को ठंडा करके खोलना है। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब आलू भी चेक कर लेंगे हम, आलू भी अच्छे से गल गया है, फलियां भी अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें, ये इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। ये मिक्स हो गया, अब गार्निशिंग के लिए डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इस तरीके से आलू फली बनाएंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।